CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। राग अनुराग श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम कजरी, जो राग बिहाग पर आधारित है। कजरी उपशास्त्रीय संगीत की शैली है। यह उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक शैली है, जो धीरे धीरे उपशास्त्रीय संगीत की शैली में विकसित हुई है। इसे सावन के महीने में गाया बजाया जाता है। तो आज सुनेंगे कजरी, जो राग बिहाग पर आधारित है। ताल खेमटा है। ताल खेमटा क्या होती है, आइए इसे पहले जान लेते हैं। ताल खेमटा। ताल खेमटा में 6 मात्राएं होती हैं। ताल खेमटा के 2 विभाग होते हैं, एक ताली होती है व एक खाली होती है। ताली पहली मात्रा पर और खाली चौथी मात्रा पर। ताल खेमटा का ठेका इस प्रकार है, धा ता ती ना धा ती, अथवा 6 मात्रा, धा ता ती ना धा ती, धा ता ती ना धा ती, धा ता ती ना धा ती, 6 मात्रा। अब आप खेमटा का ये प्रकार तबले पर भी सुनिए। कुछ विद्वान खेमटा ताल को इसका यही परिचय देते हुए इसके बोलों में फर्क कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि खेमटा ताल का दूसरे प्रकार का ठेका, ये दूसरा प्रकार है, धा ते ने गे ने ता धि ने गे ने, धा ते ने गे ने ता धि ने गे ने। अब आप ताल खेमटा का ये प्रकार तबले पर सुनिए। ये थी ताल खेमटा। राग बिहाग पर आधारित कजरी सुनने से पहले आइए राग बिहाग को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग बिहाग बिलावल थाट का राग है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित हैं। इसमें दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इस राग की जाति औढ़व संपूर्ण है। इसका गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। राग बिहाग का आरोह इस प्रकार है। नी सा ग म प नी सा, राग बिहाग का अवरोह इस प्रकार है, सा नी द प मा प ग म ग सा।
अब प्रस्तुत है राग बिहाग की पकड़। ग म प नी द प म प ग म ग र सा। ग म प नी द प राग बिहाग अत्यंत ही प्रचलित और मधुर राग है। पामा गामा यह स्वर समुदाय राग वाचक है। पामा गामा गा। आरोह में मध्यम से उठाव करते समय मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है, जैसे मा प मा प द ग म ग। मा प नी सा नी द प। अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग मध्यम शुद्ध के साथ किया जाता है, जैसे म ग म ग। यदि अवरोह सीधा लेना हो तो सिर्फ शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा, जैसे सा नि द प म ग। इस राग में निषाद शुद्ध खुला हुआ लगता है, अतः इसमें उलाहने जैसे प्रबंध बहुत आकर्षक लगते हैं। साधारणतया आलाप की शुरुआत मंद्र निषाद से होती है, जैसे नी सा ग र सा। इसके अवरोह में ऋषभ और धैवत पर न्यास नहीं किया जाता, इनका प्रयोग अल्प होता है, जैसे नी द प म ग र सा। आइए अब सुनते हैं राग बिहाग पर आधारित कजरी। कजरी की बंदिश के बोल हैं, गरवा पहिने हार चमेली, गोरिया गम 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 के ना। गरवा पहिने हार चमेली, गरवा पहिने हार चमेली, गरवा पहिने हार चमेली, गरवा पहिने हार चमेली, गोरिया गम 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 के ना। गोरिया गम 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 के ना। गरवा पहने हार चमेली, गरवा पहने हार चमेली। जात इठलात गोरिया, चली जात इठलात गोरिया, चली जात इठलात गोरिया, चली जात इठला
झम 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 के ना झम 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 के ना गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली किंकिणी घुंघरू पायन कटी किंकिणी घुंघरू पायन कटी किंकिणी घुंघरू पायन कटी किंकिणी घुंघरू पायन छम 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 के ना छम 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 के ना गरवा पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गोरिया गम 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 के ना गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गरवा पहने हार चमेली। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ कजरी की रचना। बोल वही है, गरवा पहने हार चमेली और राग है बिहाग। हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली गोरिया गम 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 के ना गोरिया गम 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 के ना गरुआ पहने हार चमेली गरुआ पहने हार चमेली इठलात गोरिया चली जात इठलात गोरिया चली
जात इठलात गोरिया, चली जात इठलात गोरिया, झम 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 के ना, झम 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 के ना, गरुआ पहने हार चमेली, गरुआ पहने हार चमेली। घुंघरू पायन कटी किंकड़ी, घुंघरू पायन कटी किंकड़ी, घुंघरू पायन कटी किंकड़ी, घुंघरू पायन, छम 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 के ना, छम 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 के ना, गरुआ पहने हार चमेली, गरुआ पहने हार चमेली, गोरिया गम 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 के ना, गरुआ पहने हार चमेली, गरुआ पहने हार चमेली, गरुआ पहने हार चमेली, गरुआ पहने हार चमेली। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है कजरी की रचना की धुन, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में, और राग है बिहाग। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और कजरी का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। कजरी, अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। कजरी राग बिहाग पर आधारित थी।
परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंखरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र रामप्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।